किसी भी एग्जाम की बात करें तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है एस्पिरेंट्स के ऊपर, क्योंकि जनरली हमारी जो आपका आदत होती है वो ये होती है कि हम तुक्के मारें, और तुक्के मारने के बाद आपका जो है नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ा जो हमारी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसका जो आपका जो ड्रॉबैक होता है दैट इज कि हमारी जो आपका जो जितना हमारा स्कोर होता है वो उसकी वजह से आपका नीचे आ जाता है। यहां पर मैं आपको बात करूंगा जो आपका FCAT का एग्जाम होने वाला है FCAT 1 2024 का, उसमें आप कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारे बहुत सारे आपके जो है क्वेश्चंस को खा जाती है ना। अच्छा किया अगर आपने 3 क्वेश्चन अच्छे किए, आपके 3 क्वेश्चन करेक्ट है, और आपने अगर जो है आपने क्या किया उसके बाद आपने जो है 6 क्वेश्चन आपने नेगेटिव कर दिए, तो कहीं ना कहीं वो 3 क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलने थे वो नेगेटिव में आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि FCAT के एग्जामिनेशन में आपको जो है हर एक राइट आंसर के लिए आपको कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स मिलते हैं, आपको जो है 3 मार्क्स अलॉट होते हैं। और अगर आप कोई भी इनकरेक्ट आंसर अगर आप देते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर अगर आप मार्क करते हैं तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। और ये इनकरेक्ट आंसर उसके लिए भी है जो आपने मार्क एज आंसर कर दिया है, मार्क्ड कर दिया है, या फिर आपने मार्क करने के बाद एंड उसके बाद आपने जो है रिव्यू के लिए छोड़ दिया है, वो भी आपका जो है क्या होगा, वो भी उसमें आपका इंक्लूड हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि दोनों तरीके, आपने मार्क कर दिया और या फिर मार्क करने के बाद आपने उसको रिव्यू के लिए सेलेक्ट किया, तो भी आपका जो है अगर वो आंसर गलत होगा और आपका पेपर सबमिट हो गया, आपके आंसर सबमिट हो गए, तो उस कंडीशन में वो जो मार्क्स है वो आपका डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आपका, तो कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जो कि नेगेटिव आंसर्स हमारे साथ ऐसा होता है कि हम नेगेटिव आंसर्स आपका कर जाते हैं एग्जाम में। बेटा इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन। अब देखो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसका सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके साथ हम जो है विल बी कमिंग विद लाइव एनालिसिस, और जिन बच्चों का आपका जो है अभी तक आपने जो है काफी प्रैक्टिस कर ली होगी, साथ ही साथ रिविजन कर लिया होगा, लेकिन लाइव एनालिसिस में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहां पर आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको उस टाइप के क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका, कैलकुलेशन एरर होती है खासकर आपका मैथ्स और आपका रीजनिंग में। ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग की अगर हम बात करें यहां पर, कई बार ऐसा होता है हम कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कैलकुलेशन करें उसको एक बार बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर ले कि आपका कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। देन वी हैव सर्टेन ह्यूमन एरर्स। ये जो आपका ह्यूमन एरर होते हैं ये बेसिकली आपका किस वजह से होते हैं, जल्दबाजी की वजह से, यानी कि जब हम जो है आपका जो है व्हेन वी आर इन हेस्ट, तो हेस्ट में हम क्या कर जाते हैं आपका जो है जल्दबाजी में, हमें मार्क करना था बी लेकिन हमने सी मार्क कर दिया, आंसर पता था लेकिन उसके बाद भी गलती कर दी। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने एग्जाम को सबमिट करने से पहले रिव्यू जरूर कर ले जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए। ठीक है, एंड देन नर्वसनेस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप नर्वसनेस होते हैं तो यू टेंड टू मेक सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। और नर्वसनेस के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको एग्जाम से पहले डू सम मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर ले, मेडिटेशन आप कर ले, ताकि आप अपने आप को कूल रखे, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, ये सिर्फ आपका एक टेस्ट है। ठीक है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो है बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देना है, अपना 100% देना है। उसके लिए जरूरी है कि आप इस समय पर जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप अपने रिजल्ट के बारे में ना सोचे। ठीक है, देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किस बात से आपको जो है कॉन्फिडेंस या डर लग रहा है बेटा, कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जस्ट थिंक अबाउट योर मोटिवेशन। ठीक है, जो आपका मोटिवेशन है टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस या फिर टू ज्वाइन द एयरफोर्स, वो जो मोटिवेशन है दैट विल प्रोवाइड यू विद द कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जिसकी वजह से आप वहां पर बैठे हैं, आप वहां तक पहुंचे, उस जगह तक पहुंचे, एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। और कोई भी नहीं है तो आंख बंद करके एक बार अपने मदर फादर को यानी कि माता पिता को याद कर लीजिएगा, एंड अल्टीमेटली जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का जो आपका कमी आपको लग रही है वो पूरी हो जाएगी। देन लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि रीड थॉरली, ठीक है, रीड क्वेश्चंस थॉरली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है केयरलेस रीडिंग नहीं करनी है, आपको कंसंट्रेशन वीक नहीं करना है, आपको जो है प्रॉपरली वहां पर अच्छे से पेपर आपको पढ़ना है। 2 घंटे का टाइम है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन वीक हो रहा है, 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए,
ठीक है, दो मिनट के लिए आंख बंद करके थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को कूल कीजिए, काम कीजिए और फिर दोबारा से क्वेश्चंस पर आ जाए। और बेटा केयरलेस रीडिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस है और जो ऑप्शंस है उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है, क्वेश्चंस और साथ ही साथ ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बेटा तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि एफकैट में आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अगर आपको तुक्का भी लगाना है, हम कई बार ऐसा करते हैं तुक्का लगा देते हैं आपका जो है, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो उस कंडीशन में आप एक चीज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है इफ यू हैव टू डू गेस वर्क, देखो नकल के लिए भी कहते हैं कि अकल चाहिए होती है, गेस वर्क भी अगर आपको करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं व्हेन यू आर इन डाउट, जब भी आप डाउट में हो, डाउट इन टू ऑप्शन, ये चीज ध्यान रखिएगा, तीन ऑप्शन में काम नहीं करेगा, चार ऑप्शन में काम नहीं करेगा। अगर दो ऑप्शन में आपको डाउट हो कि इसमें ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ए या बी में से कोई आंसर है, तो हमेशा मार्क द फर्स्ट वन, मार्क द फर्स्ट वन, कौन सा फर्स्ट वन, वो नहीं जो उन दोनों में से फर्स्ट हो, फर्स्ट वन दैट कम्स टू योर माइंड, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में क्या होता है, हमारे माइंड में जैसे हमारे पास दो ऑप्शन आए, हमने देखा यार इसका ए या डी हो सकता है, लेकिन हमारे माइंड ने पहले ये कहा कि इसका ए है, हमारा माइंड जो है ना वो क्या करता है, वो तर्क वितर्क पर काम करता है ना, वो रीजनिंग पे काम करता है, वो आपको बताएगा नहीं ए नहीं होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए, आपको समझाएगा डी क्यों होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना उस समय पर जो आपका माइंड रीजनिंग दे रहा है वो बोगस है, ठीक है, आपके माइंड ने ए क्यों सेलेक्ट किया वो आपको समझना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, कॉन्शियस माइंड में होगा तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमने वो चीज कहीं ना कहीं पढ़ी है, चाहे वो हो सकता है कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी हो, सकता है आपने टेंथ क्लास में पढ़ी हो, या फिर आप जब करंट अफेयर्स इतना सारा पढ़ रहे थे उसमें कहीं आपने पढ़ ली हो, अब वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, अब वो कॉन्शियस में तो है नहीं, वो आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको हिंट दे देता है, जो पहला आंसर आपके मन में आता है वो जनरली 99.9% वो सबकॉन्शियस माइंड से आपको बता रहा है कि इसका आंसर ये है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड वो क्योंकि सुपीरियर है, वो अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को निगेट कर देता है, और इसका खामियाजा हम भुगतते हैं इन द एग्जामिनेशन, जहां पर बाद में हमें पता चलता है कि यार जो पहले वाला आंसर था वही सही था। तो इसलिए अगर आपको तुक्का भी मारना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट कर दीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर अगर दो ऑप्शन में डाउट है तो देन आप उस ऑप्शन को मार्क करें जो आपके माइंड में सबसे पहली बार आया। ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो बेटा आप एफकैट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को ध्यान में रखकर आपको अपना एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम और आपके एनालिसिस के लिए, आपके एग्जाम के बाद तुरंत बाद आपके साथ हम सब आपके साथ होंगे, आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो डू नॉट वरी, अपना एग्जाम अच्छे से देना है, एग्जाम अच्छे से करना है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, एंड बहुत जल्द आप सभी को मैं देखना चाहूंगा अपने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में, सो दैट वुड बी ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे जो है टेलीग्राम पर इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए, साथ ही साथ अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9650529 04 पर। दैट वुड बी ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, दैट वुड बी ऑल।